आज हम दोस्तों के साथ पहुंच चुके हैं राजस्थान स्थित पाली जिले के जवाई गांव में। ये जवाई गांव लेपर देखने के लिए सबसे बेस्ट जगह है इंडिया में। आज मैं पूरा डिटेल्स में जवाई के बारे में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। हम लोग 4 दिन जवाई में रहने वाले हैं। तो जवाई में रहने के लिए सबसे बेस्ट जो रिसोर्ट है उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। जवाई में कई रिसोर्ट है जो आपको ग्लैम्पिंग का मज़ा दे सकते हैं। इन टेंटों की खासियत ये है कि जो आपको ज़रूरत के सभी सुख सुविधा देते हैं। ये टेंट आलीशान बिस्तर, एयर कंडीशनर, फर्नीचर और भी फैसिलिटी होती है। अंदर से काफ़ी बड़े भी होते हैं। आपको जवाई में रहने के लिए हर तरह के आवास मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको किसी हेरिटेज होटल में रुकना है या आपको स्विच टेंट में ग्लैम्पिंग का मज़ा लेना है या फिर चाहे आपको जंगल के बीच कैंप करना हो, आपकी हर इच्छा जवाई के इन रिसोर्ट और कैंप साइट में पूरी हो सकती है। उनमें से ज़्यादातर रिसोर्ट आपको सफारी, भोजन, पिकअप और ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध करवा देते हैं, जिससे आपका हर चीज़ के लिए भागदौड़ करने का टाइम बच जाता है। जवाई में वेलकम हेरिटेज चितागढ़ रिसोर्ट काफ़ी फेमस है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको वेलकम हेरिटेज रिसोर्ट का कमरा दिखाता हूँ। हम दोस्तों के साथ बुकिंग करना था इसलिए हमने पूरा कमरा देखा। आप जो देख रहे हो वेलकम हेरिटेज का सबसे महंगा कमरा है, 30 से 35 हज़ार पर नाइट का चार्ज है उसका। इस कमरे के बैक साइड रूम की बालकनी से जो लेक का व्यू दिखता है, अमेजिंग व्यू, बहुत ही सुंदर। इस लेक में क्रोकोडाइल भी रहते हैं। इस कमरे की बालकनी से आप क्रोकोडाइल को, पक्षियों और जानवरों को शिकार करते हुए भी देख सकते हैं। ये वेलकम हेरिटेज रिसोर्ट बहुत ही अच्छा है रहने के लिए, लेकिन हमें 4 दिन रुकना था जवाई में तो फिर काफ़ी महंगा लगा, इसलिए हम लोग अरावली रिसोर्ट देखने गए। वहीं अच्छा लगा और 4 दिन के लिए हमने बुक किया। अरावली नेचर रिसोर्ट का 1 दिन का किराया 15,000 रुपया है। जवाई के बीजापुर में हिंगलाज पैलेस होटल है, जो जवाई का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। खाने के लिए पूरा वेज है। हमने यहीं पे खाना खाया और हम लोग अब जा रहे हैं लेपर सफारी के लिए। अगर आपको वाइल्ड लाइफ में रुचि है और खासकर पैंथर यानी तेंदुओं को देखना या उन्हें करीब से जानना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए सही है। जब भी हम राजस्थान के वाइल्ड लाइफ देखना और घूमने की बात करते हैं तो हमारे सामने रणथंभौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व, भरतपुर पक्षी विहार जैसे कई अभ्यारण्य के नाम दिमाग में आते हैं, जहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ सफारी और ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं। पर एक ऐसी जगह है जो अभी तक काफ़ी अनछुई, अनएक्सप्लोर है। आज हम बात कर रहे हैं पाली जिले के स्थित जवाई की।
राजस्थान के पाली जिले में बसा ये बेरा गांव देश के हजारों अन्य गांवों की तरह एक साधारण गांव है, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से ये गांव सफारी के लिए इतना तेजी से उभरा है और साथ में जीप सफारी का सुपर डुपर अट्रैक्शन बन गया है। भारत के कोने कोने से वन्य जीव फोटोग्राफर अक्सर यहाँ आते रहते हैं और आइए जानते हैं ऐसा क्या है बेरा में। अरावली की ये पहाड़ियों में जवाई नदी से घिरे इस छोटे से गांव में तेंदुआ के लिए एक सही निवास स्थान है। आप मानोगे नहीं, ये गांव में 60 से 65 तेंदुआ का घर है। देखा जाए तो बेरा या जवाई में तेंदुआ और इंसान के बीच एक आदर समझ का उदाहरण देखने को मिलता है। आपको ये जो चट्टान दिख रही है उससे भी बड़ी चट्टान के ऊपर जीप सफारी करने वाले हैं हम लोग। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम। तेंदुओं ने आज तक किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया है, भले ही रात खेतों में और गांव के अंदर आजाद घूमते हैं, और ना ही मनुष्य ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। वास्तव में ये क्षेत्र के निवासी तेंदुओं को एक स्थानीय देवी की अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं और इसलिए उन्हें सेव करने के लिए खास देखभाल करते हैं, इसलिए अवैध शिकार ना के बराबर है। भारत के बाकी वनों में आपको बड़े घने जंगल में देखने को मिलते हैं जहां तेंदुओं को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वे हमेशा चट्टानों पर बैठे रहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जैसे जवाई में आकर भी तेंदुआ नहीं दिखा तो फिर उसे देखना ही नहीं था। नाइन्टी डिग्री से सीधा ऊपर चढ़ना और 90 डिग्री से सीधा नीचे उतरना सच में बहुत ही एडवेंचरस और थ्रिलिंग अनुभव लगा। सच बताए तो ये एक्सपीरियंस गजब का रहा। जवाई पैंथर को देखने के साथ हायना, मगरमच्छ, कई प्रवासी पक्षियों के लिए भी जाना जाता है। जवाई में बने जवाई डैम का नज़ारा भी अद्भुत और सनसेट के टाइम पे तो गजब का अमेजिंग व्यू आपको देखने मिलेगा। जवाई में ज़्यादातर सेना, बेरा, बीजापुर, बिलासपुर और भी जगह पे आपको तेंदुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जवाई में स्थित बेरा गाँव की पहाड़ियों को पैंथर हिल्स या लेपर हिल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप जवाई में साल में कभी भी पैंथर को देखने का रोमांच अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के निवासियों के अनुसार ऐसा कोई भी समय नहीं है जब आपको यहाँ तेंदुआ देखने को नहीं मिलेगा।
हम लोग पहुंच चुके इन बेरा की पहाड़ियों के सामने, जहां पर काफी लोग आ चुके हैं लेपर्ड देखने के लिए। विदेशी लोगों का तो जवाई में काफी सालों पहले से आना जाना शुरू हो चुका है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं लेपर्ड को देखने का। लेपर्ड को देखते ही सारे पक्षी और पीकॉक डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। ये पीकॉक की चिल्लाने की आवाज मतलब पीकॉक का कॉल होता है। लेपर्ड यानी तेंदुआ यहीं पे है। और एक बात बता दूं आपको, ये पूरे एरिया में हर पहाड़ी की केव में लेपर्ड रहता है। उनका खुद का केव वाला एरिया उनका रहता है। आसपास में कोई भी तेंदुआ आके नहीं रह सकता। सबका अलग अलग एरिया होता है। अगर आपको दूसरे एरिया के इलाके में रहना है तो फिर वो तेंदुओं से लड़ाई करके जीतना पड़ेगा। जो जीतेगा वही इलाके में रहेगा, मतलब एक को मरना ही है। एक साथ दो नहीं रह सकते। 6 महीने पहले भी बेरा में एक लेपर ने दूसरे लेपर को मार गिराया और जान ले ली, और तो और उसके 2 बच्चे को भी मार दिया। कहा जाता है कि जो लेपर जीता वही फीमेल के साथ रहेगा और बच्चे भी खुद के होने चाहिए, इसलिए वो पहले वाले लेपर से जो भी बच्चे होंगे सबको मार देती है। खुद के बच्चे होंगे, बड़े होंगे, बड़े होने के बाद बच्चों को भी पास में नहीं रखती। वो बच्चे खुद का इलाका बनाना पड़ता है। अगर पास में आए तो भी डरा के उस बच्चों को दूर करती रहती है। खुद अपना एरिया बनाओ ऐसा मैसेज देती रहती है। लेपर्ड देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं जवाई डैम। जवाई डैम विंटर के समय में बर्ड वॉचिंग बहुत जोरों शोरों से होती है। यहाँ आप पक्षियों की 100 से भी ज़्यादा प्रजातियों को देख सकते हैं। जब आप जवाई डैम को देखोगे तो आप उसे देखते ही रह जाओगे। आपको यहाँ डैम के पास ऐसी कई जगह मिलेगी जहाँ से आप पूरे क्षेत्र की शानदार तस्वीर ले सकते हैं। हर मौसम में कई अलग अलग पक्षी देखने को मिलते हैं। हर बर्ड लवर्स को कम से कम एक बार बेरा का विजिट जरूर बनता है। ये जवाई डैम के पास की जो नदी है लूनी नदी, उसमें क्रोकोडाइल भी बहुत है। ये जगह पे कभी कभी आपके सामने पक्षी को शिकार करते हुए नज़र भी आएंगे क्रोकोडाइल। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और लाजवाब है जवाई डैम। कल्पना कीजिए कि आप यहाँ बैठकर मगरमच्छ को, दूसरे पक्षियों या जानवरों को शिकार करते हुए देख रहे हो। देखा, सोचने में ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे ना। जवाई नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं जिन्हें आप धूप सेकते हुए देख सकते हैं, और आपको यहाँ कई बड़े मगरमच्छ को देखने का अवसर श्योर मिलेगा, जिन्हें हमने शायद अभी तक सिर्फ टीवी में ही देखा होगा।
હોય ને हम लोग जवाई डैम देखने के बाद सुजान रिसोर्ट के पीछे वाले एरिए में सनसेट और लेपर्ड देखने गए, लेकिन लेपर्ड देखने नहीं मिला, लेकिन सनसेट बहुत ही अद्भुत देखने को मिला। ये रिसोर्ट आपको देखना है तो बुकिंग करना पड़ेगा एक दिन के लिए, बाकी आपको देखने भी नहीं मिलेगा। 20 साल हो गए ये रिसोर्ट को, जवाई का सबसे पहला रिसोर्ट है ये। पूरा दिन घूमने के बाद हम लोग जा रहे हमारे अरवली रिसोर्ट पे। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। जवाई में आज हमारा दूसरा दिन है। मॉर्निंग में हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और चाय नाश्ता करने के बाद सोच रहे दोपहर का लंच करेंगे, और लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे फिर से लेपर सफारी के लिए। पेट्रोल के लिए ला रखी है मम्मी ये। ये क्या पेट्रोल वो में नहीं आया कहाँ से ला रहे ये क्या पेट्रोल भरना पड़ता है हमारे जाइए। हम वो हर काम के वो गाल पास वो काम दो दिन से बहुत गर्मी लग रही थी, आज भी इतनी गर्मी है, इसलिए हमने सोचा कि बर्ड और जानवरों के लिए 2 बैरल पानी लेके जाए। जाके वहीं खड्डा साफ करवाया, उस जगह पे पानी डाला, कोई बर्ड या जानवर आए और अपनी प्यास बुझाए इस गर्मी में, शायद तेंदुआ भी आ जाए और देखने को मिल जाए, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। मेरा तो मुंह सूख रहा था, प्यास लगी थी, पसीना भी आ रहा था और ऊपर से गर्मी। पानी भी जितना लेके गए थे वो सब खाली हो गया था। अब तो सेना गांव जाकर ही पानी मिलेगा। Thank you.
दोपहर का लंच करने के बाद हम जा रहे हैं अभी लेपर सफारी के लिए। आज मैं और मेरा दोस्त खुद ही जाने वाले जीप चला के सफारी करने के लिए। पता नहीं चला पाएंगे या नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में चट्टानों पे जीप चलाना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं क्या होगा। आज मैं आपको एक हकीकत भी बताने वाला हूँ। मैंने जवाई में जो देखा और सुना वो हकीकत भी आपको बताना मेरी फर्ज बनता है। ये सुन के वन्य जीवी प्रेमियों को, चाहने वालों को थोड़ा सा दुख पहुँचेगा, लेकिन सच्चाई भी बताना इतना ज़रूरी भी है। इस जवाई में लेपर्ड रिजर्व को प्रोटेक्शन करने के लिए 8 जोन में बांटा गया है और तय ये हुआ है कि 8 जोन में हाई पावर निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन 2 साल में लगे सिर्फ 4 कैमरे। जवाई में ये होटल वाले रात को भी लेपर दिखाने के लिए ले जाते हैं। लेपर की आदत रात में शिकार करने की है। लेपर रात में इंसान से भी 7 गुना ज्यादा देखने की क्षमता रखता है। देर रात सफारी से यहाँ बस रहे लेपर का बिहेवियर बदल गया है। उन्हें अब शिकार की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि शिकार होटल वाले ही परोस देते हैं। लेपर आमतौर पर रात को ही शिकार करते और दिन में सोते, लेकिन जब से शिकार परोसा जाने लगा है तब से होटल मालिक को पता रहता है कि लेपर किस पहाड़ की किस गुफा में है, कितने बजे के बीच बाहर आएगा, कहां दिखेगा। ये सारी जानकारी उनके पास होती है। उस पॉइंट पर पहले से लेपर के सामने बकरा फेंक दिया जाता है, तो उन्हें पता रहता है लेपर किसी भी वक्त बाहर आएगा ही। तब से उसका बिहेवियर बदल गया है। धीरे धीरे शिकार करने की आदत छूट जाएगी जब से लेपर कमाई का जरिया बना है। इस जवाई के इलाके में काफी 5 स्टार होटल खुल गए और नए होटलों का फुल जोश में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। फिल्मी स्टार, बड़ी सेलिब्रिटी, क्रिकेटर भी यहाँ आते रहते हैं। 1 साल पहले कैटरीना और कौशल भी लेपर देखने आए थे। उन्होंने भी अच्छी तरह और काफी नजदीक से लेपर को देखा और उन्होंने अपना इंस्टा पे वीडियो भी डाला, फोटोज भी अपलोड किया है। तो उसके सारे VVIP के इंतजाम किए जाते हैं। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि ये देश का पहला लेपर रिजर्व सेंटर था, जहां लेपर और इंसान साथ साथ रहते थे। जब से लेपर कमाई का जरिया बना है तब से उसका बिहेवियर बदल गया है। जैसे जैसे लेपर पलायन करते जा रहे, होटल भी उसी दिशा में बढ़ रहे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है ये। कुछ बड़े होटलों ने पहाड़ भी कब्जे में ले लिया है जिस पर लेपर का बसेरा है। होटल ने पहाड़ के आसपास की जमीनें लीज पर ले ली और तारबंदी करवा ली। जवाई लेपर कंजर्वेशन में सरिस्का और रणथंभौर जैसे नियम लागू होना चाहिए। रात की सफारी को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। लेपर को जो शिकार परोसते हैं VVIP को लेपर दिखाने के लिए, वो भी बंद करवाने में सरकार का इस पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर ने जो 8 जोन बनाने का कहा था उसका अभी तक कोई फॉलोअप नहीं है, तो उन 8 जोन को जारी कर या नियम सख्ती से लागू किए जाए, मेरी ये सरकार से अपील है। अगर ये बात सच है तो सरकार को जरूर उसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। उसके बाद हम लोग गए सफारी के लिए। मैंने खुद जीप चलाई। बहुत ही मुश्किल था चलाना, क्योंकि एक हाथ में स्टीयरिंग और दूसरे हाथ में गोप्रो। मिट्टी और चट्टानों के ऊपर जीप चलाना बहुत ही मुश्किल था। आखिर मैंने चला लिया और सेना गांव तक रिटर्न आ भी गए। ये है हमारा रोड। नीचे काफी एंजॉय किया, अच्छी अच्छी राइड घूमी। मैंने आपको जवाई के बारे में सारी जानकारी दे दी, तो उठाइए अपना बैग और कैमरा और निकल जाइए जवाई के लिए। इन गांवों में जाए बिना आपकी जवाई की यात्रा अधूरी रह जाएगी। आप इन रेवाड़ियों को अपने रंग बिरंगी कपड़े यानी पगड़ियों में देखोगे तो आपको एक फोटो लेने का मन करेगा। नहीं आते हो?
इनके लड़के का लड़का बता रहा था ये घूमने आए देखने आए, लेकिन मैं पूछ रहा था कुछ और, बता रहे थे कुछ और, लेकिन इशारों में समझ में आ गया जो बता रहे थे कि जो आप रह रहे हो वो होटल के मालिक और उनके दोनों भाई, मैं उनको जानता हूँ। होटल उनकी हरावल है, वहाँ वो चलाते वही है। बेटा है भगवान सिंह जी है, मोटा बीजा छोटा कचरा तीन एकड़ तब बे ठाकर साहब रहे। ये खेत में टमाटर मिर्ची और लौकी उगाई है, देखे बहुत अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन एक बात बता दूं, ये सामने जो दिख रहा है टमाटर का खेत, वो टमाटर के दाम अभी एक केजी का सिर्फ 5 रुपया चल रहा है मार्केट में, तो टमाटर निकालने की मजदूरी और ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाता है, मुनाफा होता ही नहीं उन लोगों को, तो फिर ये लोग खेत में से टमाटर निकालते ही नहीं, सड़ने देते, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। बड़े दुख की बात है ये। जवाई का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार रहा हमारा ये सफ़र, बहुत ही एंजॉय किया। आप लोग भी जवाई जाए तो रहने के लिए रिसोर्ट, खाने के लिए रेस्टोरेंट और जीप सफारी करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर और गूगल लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर जवाई जाए। मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।